जी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे आपसे दो सवाल है। कृष्ण भगवान द्वारिका को पानी में क्यों डुबाए थे? ताकि उनकी नगरी में कोई वो लोग ना चले जाएं जो उसका दुरुपयोग करें। जैसे आज गांव में शहरों में आपने देखा है लोग मंदिरों में बैठ बैठ के ताश खेलते हैं, तो कहीं हमारी उस नगरी का दुरुपयोग ना करें समाज, इसलिए भगवान ने पानी में डुबा दी। एक व्यक्ति कीमती कब होता है? आपकी भी दो आंखें हैं, आपका भी सेम वही साइज है, और अंबानी अडानी का भी लगभग वही, उनके शरीर में भी लाल खून है, आपकी भी लाल है, उनके भी दो आंखें हैं, आपके भी दो आंखें हैं, पर दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर है? ईश्वर ने तो कोई अंतर नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं कि उनकी नाक बहुत बड़ी हो, उनके कान बहुत बड़े हों, उनका दिल आपसे बड़ा हो, उनका साइज आपसे बड़ा हो, लगभग सेम है। वो भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते होंगे, हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, क्या अंतर है? अंतर है सिर्फ विचारों का। काहे का अंतर है? सिर्फ विचार, सोच, अपना नजरिया। व्यक्ति कीमती कब होता है? कंप्यूटर लैपटॉप तो सब वही होते हैं, है ना? उसमें विंडो कौन सी है? जो समय आप अपनी पत्नी को दिया करते थे, बच्चों को दिया करते थे, सच बताना अब वो समय आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में देते हैं। उसमें देने से कुछ नहीं मिल रहा है। ये सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। पत्नी बगल में बैठी है, पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल। अरे क्या हो गया है भाई आप लोगों को? थोड़ा अपनी माँ से बात करो, अपने पिता से बात करो, अपने बच्चों से बात करो, थोड़ा हंसो। पहले के लोग खूब हंसते थे, हंसते थे तो खुश रहते थे। अब आप लोग हंसते कहाँ है? आप लोगों को हंसने के लिए अब हंसने वाले प्रोग्राम देखने पड़ते हैं, कॉमेडी प्रोग्राम देखना पड़ता है। जबकि पहले के लोग अपनी पत्नी से बात करके, अपने पति से बात करके, पत्नी या पति हंस लिया करते थे, बच्चों को हंसाया करते थे, लोग खिलखिला के हंसते थे।